अपने बयानों से विवादों में आने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लोकसभा में उन्होंने एक बार फिर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। प्रज्ञा के इस बयान के चलते संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में शामिल न होने का फरमान सुनाया है। गुरुवार को बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संसद में कल का उनका बयान निंदनीय है, बीजेपी कभी भी इस तरह के बयान या विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को लोकसभा में एसपीजी बिल पर बहस के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे पर अपना बयान दिया। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर डीएमके सांसद ए राजा अपनी राय रख रहे थे। इस दौरान ए राजा ने गोडसे के एक बयान का जिक्र किया जिसमें गोडसे ने कहा था कि उसने बापू को क्यों मारा था। बहस के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने ए राजा को टोका और कहा कि एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। प्रज्ञा के इस बयान पर सदन में जमकर बवाल मच गया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।